Hayatım ekşi daha diyoruz. मौजूद है शहजाद यूनुस और हमजा जावेद। सबसे पहले शहजाद से बात करते हैं। शहजाद, किस तरह से ये आइडिया आपको आया? लाइक हमारी जो यूथ है आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहती है और वहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिलोसफीज भी लिख देती है, लेकिन इतनी गहरी सोच आप लोगों के अंदर कैसे आई और ये एहसास के एक पैरालाइज्ड इंसान के लिए आप लोगों ने एक व्हील चेयर बना दी है? वाओ जी, शुक्रिया। मैं ये जो आइडिया जनरेट करने की जो वजह थी, क्योंकि हमारे स्पीरियर यूनिवर्सिटी का ये हमेशा से विजन रहा है कि फैसिलिटेटिंग द स्पीरियर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारा वो जो टारगेट था ना कि हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, तो उसके लिए हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि किन लोगों को हमारी ज़रूरत है, हम किन लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को जो ख्याल आया वो मज़ूर अफराद का आया कि मज़ूर अफरादों का जब हमने उसका एनालिसिस किया तो दुनिया में तकरीबन इस तरह के 1 बिलियन लोग हैं जो कि इस तरह के जो है मूविंग डिसेबिलिटी से जो है सफ़र कर रहे हैं। वो लोग अपने हर काम के लिए खाना खाना हो, पानी पीना हो, तो वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोगों ने ये काम किया, उनके लिए एक ऐसा खुदकार आला तैयार किया कि जिसकी मदद से वो अपनी व्हीलचेयर को अपनी आई बॉल मूवमेंट की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बात है, आपकी सोच को सलाम है। हमजा भी हमारे साथ है, टेक्नोप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट है आप लोग सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, और अभी आप लोग एक और कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉम्पिटिशन था ग्लोबल, वो आप लोगों ने विन कर लिया, कैसा फील कर रहे हैं? फैमिली का क्या रिएक्शन? सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहूँगा अल्लाह ताला का, उसके बाद मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक्सपीरियर जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दिया। पाकिस्तान के स्टूडेंट में बड़ा टैलेंट है, सिर्फ उनको ज़रूरत है एक अच्छे इदारे की, अच्छे टीचर्स की, जो कि उनको पॉलिश करें और उनको बताएँ कि उनमें वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, टीचर तो बिल्कुल होते ही अच्छे हैं, अच्छे होने की ज़रूरत है तो उससे स्टूडेंट को अच्छे होने की ज़रूरत है। अगर आप स्पीरे के करिकुलम को देखें तो स्पीरे की जो स्टाफ है, स्पीरे की जो टीचिंग फैकल्टी है, इतने वो लोग हमारे साथ जो है फ्रेंडली माहौल के साथ रहते हैं कि अगर हम जब कभी भी हमें कोई काम की जरूरत हो, इवन रात का अगर 1 बजा हो तो हम लोग टीचर्स को कॉल कर दिया करते, सर ये मसला आ रहा है तो बताएं अब हम क्या करें। तो कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि बेटा आपको टाइम देखना चाहिए। अगर यही करिकुलम अगर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अगर बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा इसी चीज़ को अगर प्रमोट करें, इसी चीज़ को लेकर चलें, तो आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स भी जो है उनको रिस्पेक्ट देते हुए वो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी इन्वेंशन है, इतनी बड़ी सोच है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या बैठे बैठे आप लोगों के जहन में ये आइडिया आ गया? जब टेक्नोप्रेन्योरशिप का स्पीरियर यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त हम लोगों को उन्होंने ना आइडिया स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट आइडिया सोच के आने के लिए कहा, तो हर इंडिविजुअल आके ना अपना आइडिया वहाँ पे प्रेजेंट करता था। तो उधर ही ना शहजाद ने भी एक आइडिया प्रेजेंट किया कि इनके फादर जो थे ना वो पैरालिसिस की वजह से उनकी डेथ हुई 2008 में, तो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने ना पैरालिसिस में गुजारे हैं, तो वो बड़ी मजबूरी होती थी उनको ना। मेरे जहन में भी कुछ था कि यानी कि डिसेबिलिटी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ से जाके फिर यानी कि सोचा गया कि पैरालिसिस बंदे, जो पैरालाइज बंदे हैं उनका क्या चीज़ मूव करती है, तो वो पता लगा कि सिर्फ उनकी आंखें हैं जो कि मूव करती हैं, उसको एज एन इनपुट लेके हम लोगों ने यानी कि फिलहाल उनकी व्हीलचेयर को ऑपरेट करवाने का इनिशिएटिव लिया और उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। शहजाद, ईओ के बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप लोगों ने किस तरह से अप्रोच किया? ईओ बेसिकली एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं
और वो अपना इम्पैक्ट कायम करना चाहते हैं सोसाइटी पे थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें कि वो इंटरनेशनली जाके डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज से आए होंगे वो उनके साथ कम्पीट करें और अपना लोहा मनवाएं। इतनी बड़ी आप लोग इन्वेंशन करने जा रहे थे, कोई दिल में जहन में कोई डाउट था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आप लोग पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे? रिस्क तो हर बंदे को होता है, डर होता है हर बंदे को, लेकिन उस डर से किस तरह आगे निकलना है, उस डर को फेस करके उस डर को एक अपॉर्चुनिटी लेना है, आपने उसको अपनी वीकनेस नहीं समझना, उसको अपॉर्चुनिटी लेके तो किस तरह से आगे निकलना है, ये हमें यहाँ पे स्पीडर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने सिखाया। अब आप लोग जॉब प्रोवाइडर्स बन गए। वी आर नाउ जॉब क्रिएटर्स। बेसिकली ये आइडिया जो प्रोवाइड किया, ये हमारे जो माइंडसेट चेंज की, ये सारी रेवोल्यूशन स्पीडर यूनिवर्सिटी में आई। मैडम सुमैरा रहमान जो कि स्पीडर यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टर भी हैं और जो चेयरमैन हमारे स्पीडर ग्रुप के हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, इन लोगों ने मुश्तरक तौर पर इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने बच्चों को स्पीडर बनाएंगे और वाकई हमारे बच्चे साबित करेंगे कि वो स्पीडर हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म जनरेट कर दें, इस तरह का बच्चों का माइंडसेट कर दें कि बच्चे हमारे जॉब क्रिएटर्स बने और ये आगे मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जिसके मतलब लाखों लोगों का जो है वो रोजगार चल सके, लोग वो पार्टिसिपेट। मुश्किल कोई आई आप लोगों को, कोई डिफिकल्टीज फेस की, घर वालों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, पढ़ते रहते हो या खेलते रहते? जब रात को लेट घर आता था तो अम्मी मुझे कहती थी कि बड़े नलायक हो तुम, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे हम लोग, लेकिन कुछ करने का जज्बा था दिल में, तो वो समझते थे कि पता नहीं कहाँ पे फिर के आया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यानी कि स्पीडर यूनिवर्सिटी में 2016 में एग्जीबिशन हुई, तो मैंने जिस वक्त हम लोगों ने वो विन किया, तो मैंने सबसे पहले ना अपनी वालदा को कॉल की और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह करके जीत गया हूँ, और मैंने उनको इस तरह से नहीं था बताया, मैंने उनको कहा, मैंने उनको बताया कि अम्मी आप मुझे कहती थी कि फिरता है, तो ये देख लो आज फिरने का सिला मिल गया आपको। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों पर किसको था? घर वालों को तो डाउट में चले गए थे कि ये कुछ कर भी रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, किसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था? मैम सुमैरा रहमान स्पीडर यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टर, वो एक कमरा इस तरह का था कि जहाँ पे कोई भी बंदा यानी कि मोटिवेशंस को खत्म करके भी चला जाए तो वो अंदर से जाके यानी कि एक चार्जर है जहाँ से चार्ज होकर बाहर आ जाता है। वही अगर लेक्चर जो डॉक्टर सुमैरा रहमान आपको देती थी, आपने अगर हमारी यूथ को देना हो तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सिर्फ अगर वो स्पीडर यूनिवर्सिटी में आ जाए ना, स्पीडर यूनिवर्सिटी में लाइक अगर जो अब नए बैचेस आना चाहते हैं स्पीडर यूनिवर्सिटी में आए, आप मैडम से मिलें कि मैडम इतनी यानी कि वो कोऑपरेटिव है, वो कहते हैं कभी भी आपने स्टेप बैक नहीं करना, आपने प्रसिस्टेंस शो करनी है कि आपने अपने जो स्टेडफास्टनेस शो करनी है कि आपने जो डिसाइड किया है ना आप वो कर सकते हो, अगर आपको यकीन है तो आप वो कर सकते हो। अच्छा, हशाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी एब्सेंस में कुछ आप उनकी तारीफ करना चाहिए या बता सकेंगे उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट था इस इन्वेंशन में? हमने फेलियर्स बहुत सारे देखे ड्यू टू फाइनेंस, और उसमें बहुत बड़ा जो रोल था फिर उसने हशाम ने प्ले किया कि उसने फाइनेंस में हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फाइनेंस में अगर हमारा कोई मेंटोर है तो हशाम है। आप लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस की भी बात की, तो ये तो आपने इन्वेंशन की है, कोई ऐसी इन्वेंशन करेंगे कि पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निजात मिले और जो हमारी इकोनॉमी है वो खड़ी हो सके अपने पैरों पे, ऐसी कोई इन्वेंशन? मुझे तो आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग आने वाले दिनों में ऐसा कुछ जरूर करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के जितने भी चैलेंजेस हैं उसको थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्व करना चाहते हैं तो यही वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जितने भी है उसका सोल्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने वो इजाज़त दिया ना सिर्फ माँ बाप का, अपने यूनिवर्सिटी का, अपने इदारे का, बल्कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वहाँ पे दुनिया भर के जो बेस्ट ब्रेन होंगे वो आएंगे, कोई ऐसा डर या खौफ? मेरा बिलीव ये है कि इन हाउस कंप्लीट करना मुश्किल होता है, अगर आप अपने घर से बाहर चले जाते हो फिर तो बंदा कहता है कि आप तो आगे कफन बांध के आ गए हैं, अब यहाँ तो आ रही है बाहर, तो फिर जब दूसरे के सरहद में जाएंगे तो फिर हमने यही कहना कि अब शहीद होने के इरादे से जा रहे हैं, देखी जाएगी। कोई मैसेज आप दोनों देना चाहें हमसे? मैसेज मैं हमेशा एक ही देता हूँ, वालदैन की इज्जत करो क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं है, उसके बाद अपने उस्तादा की भी इज्जत करो, और अगर आप वो इज्जत नहीं ना करोगे तो आप आसमान से जमीन पे कैसे आते हो ये आपको पता लग जाएगा। शहजाद आपका मैसेज क्या? मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि हदीस मुबारक भी है कि इन्ना मला मालू बिन नियत, के अमाल का दारों में उदार नहीं हो तो पे होता, कि अगर आप नियत अपनी ठीक कर लें सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में, अगर इंसान कहता है इंसान गरीब पैदा हुआ अगर वो गरीब मर गया तो उसमें ये नहीं है कि उसके एनवायरनमेंट का कसूर था, वो उस बंदे का खुद का कसूर है, आपकी नीयत अच्छी हो अगर आपने पूरी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया तो आप खुद कसूरवार हो। इंसान को जिंदगी में कैलकुलेटर साथ छोटा सा रिस्क लाजमी लेना चाहिए, और ये नहीं कि एक दफा लेके बस वो बंदा हार गया बस कर दे, क्या पता कि वो अगले स्टेप उसके लिए कामयाबी हो। पूरा पाकिस्तान आप लोगों के लिए दुआ करेगा कि आप जाएं और वहां पर भी पाकिस्तान का परचम लहराएं और सर बुलंद करें और हमारा नाम रोशन करें। Destiny, I have waited patiently.
इस वक्त पहुंच चुके हैं हम यहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लासरूम्स हैं और जो कंप्यूटर लैब हैं, और हम इस वक्त उस क्लासरूम में और कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं। हमारे साथ हमजा और शहजाद भी हैं जहाँ पर ये बैठ कर पढ़ते थे, और यहाँ पर इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। इनके लिए तो क्लैपिंग हुई है, लेकिन वो टीचर जिन्होंने इन दोनों को ग्रूम किया, इनको ट्रेन किया, उनके लिए भी क्लैपिंग बन। सबसे पहले सर, क्योंकि टीचर्स हैं और लाइक इन्होंने आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और इन्होंने कहा कि जो भी इनकी कामयाबी है उसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्या इन स्टूडेंट्स में भी कोई खास बात थी? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम खास नहीं थे, हमारे टीचर्स खास। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर टू, दीज किड्स आर वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी रियलिस्टिक एंड मोटिवेटेड। वी हैव डन नथिंग फॉर देम, व्हाटएवर दे डिड, दे डिड इट बाय देमसेल्फ। इन चीज का मुबारकबाद इनको जाता है कि ये अपने इंस्टीट्यूशन को और अपने टीचर्स को अभी भी रिगार्ड करते हैं। इट्स बीन टू इयर्स, दे हैव वन वेरी फर्स्ट ट्रॉफी। मैं एक चीज सिर्फ इसमें ऐड अप करना चाहता हूँ विद रिगार्ड टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी, आवर काइंड चेयरपर्सन एंड स्पेशली मैम सुमैरा रहमान, उनने हम लोगों का ये माइंडसेट चेंज किया। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुपीरियर फैमिली, बिकॉज दे हैव गिवन सच डाइवर्स एनवायरनमेंट वेयर दे आर नॉट जस्ट टीचिंग द कोर्सेज, दे आर ट्राइंग टू ग्रूम द पर्सनैलिटीज एंड गेट देम आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट साइकिल एंड बी देयर ओन पर्सन। इतनी मैच्योर हैं, जब मेरी इनसे बात हुई है मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई इनसे। जो माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट? मैं पेरेंट्स को पहले ये सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को लिबर्टी दें, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। ये हैं जो इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाए, दीज आर द किड्स, दीज आर आवर फ्यूचर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। व्हेन दे स्टार्टेड दिस जर्नी दे डिड नॉट बिलीव दैट दे कुड डू इट, बट राइट दिस मोमेंट आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स देन देम। So again, a huge round of applause for all of them. अब पाकिस्तान में तो इन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं, अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर की जो बेस्ट ब्रेन्स होंगे यूनिवर्सिटीज उनसे ये कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं। कोई आप इनको एडवाइस करना चाह रहे हैं? मोर देन 15 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यू आर द ओनली ग्रुप, ओनली टीम हु इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान अब्रॉड। इंशाल्लाह बार ताला यू विल कम अप विद सम गुड न्यूज एज वेल फ्रॉम देयर। Many congratulations and best of luck to you. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down. और जहां हम आपको टेक्नोप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं, यहां पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बायो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं है। और ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई और ये पिक्चर इन्होंने बनाई है, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है, स्ट्रेस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो आप बता सकते हैं क्या स्ट्रेस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स? आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो कुछ प्रोटीन्स जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उसका मेन मकसद होता है कि उसको अच्छी तरह क्वालिंग करना, उसकी प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसको अच्छी तरह उसको कंपाइल करना, की वजह से स्ट्रेस कम होता है। आप हमें कुछ बताएंगे ये जो ER स्ट्रेस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, किस वजह से इनके अगेंस्ट क्वालिंग नहीं? बेसिकली ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, और इसमें दो कंडीशन होती है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, दो दैट्स इन द ऑफिस। अच्छा, लाइक आप सबसे ही मेरा एक सवाल है, बड़ा लड़कियां तो खास तौर पे उनको डॉक्टर बनने का शौक होता ही है, और लेकिन आजकल लड़कों को वो कहते हैं बोरिंग है, तो आप लोगों ने भी ये सोचा बोरिंग है कि बस आ गई, खुश शौक था या घर वालों ने भेज दिया कि नहीं भाई इसी में जाना है? बायोटेक्नोलॉजी शौक था, बायोटेक्नोलॉजी करने का, एक रिसर्चर बनने का, तो इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड जो थी। पाकिस्तान में इसका क्या? पाकिस्तान में इसका स्कोप ये है कि एज आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज अ पैथोलॉजिस्ट, मतलब जो लैब टेंडेंट होता है उससे हमारा मतलब 17 स्केल होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये तो लड़के हैं और इनको नजर आया कि स्कोप है काफी इस फील्ड में, आपको भी शौक है या स्कोप देख के, या किस वजह से आपने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड चुनी? एक्चुअली ह्यूमंस में ज़्यादातर पार्ट एक साइंटिफिक फील्ड का होता है, उसके बाद डॉक्टर्स का आता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि पहले हम थोड़ा काम करें। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते,
तो उनको आप लोग ये सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर नहीं बन पाए तो कोई मसला नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि एविसिनिया मेडिकल कॉलेज से MBBS का 1 ईयर करके हमारे ही बैच में है, तो वो माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं और उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा लग रहा है MBBS से ज़्यादा, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंटेशन है, आप लोग जाएँ और अपनी प्रेजेंटेशन। अब हम मौजूद हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सेल, हम इसे कह सकते हैं, और हम जैसे कि आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स से तो मिलवा ही रहे हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनसे भी टैलेंटेड हैं उनके टीचर्स। और इस वक्त हमारे साथ लेक्चरर मुमताज अली राजपूत मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक्स टू आवर प्रोरेक्टर डॉक्टर सुमैरा रहमान जिन्होंने माइंडसेट चेंज किया हमारे स्टूडेंट्स का कि थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आना चाहिए और उनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारे, उनका सबसे बड़ा उनका और उनकी फैमिलीज का कंसर्न ये होता है कि जब वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं कि इनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। यहाँ पे हम सबसे अच्छी चीज ये देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से आप लोग उनको ट्रेन करें ग्रूम करें कि उनकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जी, इसी तरह से है कि जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर सुमैरा रहमान चाह रही हैं कि हर एक स्टूडेंट थ्योरी के साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जिसको वो यूज़ करते हुए बाद में ये ना हो कि उसे जॉब फाइंड करना पड़े, रादर देन उसे जॉब प्रोवाइडर बने। हम ये ट्रेंड ला रहे हैं जिससे हम अपने पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बना सकें। अच्छा, वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने जी हमने एक प्रोजेक्ट्स है विद द नेम ऑफ नोनी। नोनी ये एक मनी एक्सचेंज वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो यूके में रहते हैं और उनकी फैमिलीज हैं बैक अफ्रीका। अफ्रीका में बैंकिंग सिस्टम बहुत पुअर है जी। और ये वेबसाइट उनको ऑनलाइन पेमेंट सेंड करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। ये हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बनाई है FYP प्रोजेक्ट्स और ये सक्सेसफुली चल रही है। थैंक यू सो मच। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अचीवर से तो मिले हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स से तो मिले हैं, लेकिन कुछ शरारती और नटखट स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम देख रहे हैं कि बाहर बैठे हुए मौसम एंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट? मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन, फिर तो आप लोग काफी ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर। जी जी बिल्कुल। तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आप पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं? ऐसे ही है। चैनल्स भी देखते? बिल्कुल। आप भी ऐसे ही? जी ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे सुपीरियर मीडिया क्लब को हेड कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो एक्टिविटीज इस तरह की हम करवाते रहे। आजकल ऐसे मैथ्सकॉम के स्टूडेंट्स के बारे में कह दिया जाता है कि आ तो जाते हैं लेकिन इनको अखबारात वगैरह पढ़ने का शौक नहीं होता और उस तरह से किताबें नहीं पढ़ते, ऐसा है? ये बात ठीक भी है, 50% कहा जा सकता है कि ठीक है, लेकिन आने वाले दौर में जो बच्चे आ रहे हैं वो वेल अवेयर्ड हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या करना है और कहाँ जाना है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने, बड़ी अहम बात की। आपका ताल्लुक भी मैथ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या ख्वाब लेके आए हैं मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी? जर्नलिज्म मेरा पैशन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से डिपार्टमेंट? एविएशन मैनेजमेंट। हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं बहुत कम लोगों को पता है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर कर रही है हमारी नई जो जनरेशन है यूथ है उसके लिए। एविएशन की आपने बात की, बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे वो प्लेन भी है उसको देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो बताएंगे कि क्या डिग्री आप? एविएशन बेसिकली है एयरपोर्ट बेस्ड है कि आप एयरपोर्ट पे जितनी भी फील्ड हैं ATCO है या फ्लाइट ऑपरेटिंग मैनेजर है जो भी है एयरपोर्ट मैनेजर है इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने तो पूरा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं तो आपको पायलट ही समझ रही हूँ। एविएशन का यूनिफॉर्म यही है, खैर मतलब पूरा क्या नाम है, एयरपोर्ट में जाकर देखें यूनिफॉर्म यही होता है। खैर हम एविएशन मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, पायलट्स के लिए आपको अलग से क्या नाम है फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको PPL SPL PPL। और इरादा है आपका? इंशाल्लाह मेरा रहता है, घरवाले भी कहते हैं मैं इंशाल्लाह पायलट करूंगा। चले इंशाल्लाह, हमारी भी दुआ है कि आप पायलट बने और जहाज उड़ाए और मुल्क का नाम जो है रोशन करें। करते हैं, कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं भी मैथ्सकॉम से हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो आप किसी और जगह से? आपका? हाँ जी, मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान कोयटा से। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बलूचिस्तान की कोयटा की लड़की हमारे साथ मौजूद है और वो ये चाह रही है कि वो लीड करना चाहती है।
हमारी दुआ यही है कि आप आए इस फील्ड में और लीड करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और बेस्ट प्रोड्यूसर इंशाल्लाह। मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो छाए हुए हैं हर जगह, तो आप क्या ख्वाब लेके मास कम्युनिकेशन में आए? एज अ जर्नलिस्ट। एज अ जर्नलिस्ट, मतलब कुछ लोग कहते हैं आते साथ ही मास कॉम में कि एज एन एंकर हम अपना करियर परसू करना चाहते हैं। हाँ, मैं भी पहले शुरू में आया था तो यही एज एंकर एज ए जर्नलिस्ट यही सोच के हम आए थे, बट आहिस्ता आहिस्ता हम खुद ही अपनी लाइन अपनी फील्ड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कर ले आप सब लोग। और अगर सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो हमारे साथ एक पोइट भी मौजूद हैं नाजरीन, और जब हमने इनसे म्यूजिक सुना है तो शायरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या नाम है आप? हुबैब अहमद। हुबैब अहमद, तो क्या सुना रहे हैं आज आप? ये आपने लिखी है किताब? दोस्त हैं, अभी मेरी पब्लिशिंग हुई है, हमारे एक और स्टूडेंट है उनकी है। मतलब ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनकी किताब है लव्स लव्स तुम हो, राशिद खलील। ग्रेट, बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोएट्री की पूरी किताब ही लिख डाली है, तो क्या सुना रहे आप? एक गजल है वो सुनाऊंगा। ये जो धुंधली सी एक तस्वीर बना बैठा हूँ, तेरी यादों की एक जंजीर बना बैठा हूँ, तेरे हाबू में जकड़े खुद को जागती आंखों से ताबीर बना बैठा हूँ, वो दिल जो बादशाह था कभी उसे तेरे दर का फकीर बना बैठा हूँ। That's great. आपका तालुक किस डिपार्टमेंट से? आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से। आर्किटेक्चर, मास कॉम के स्टूडेंट्स में ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो कुछ बताएंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट क्या ऑफर करता है? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी और बड़ी कोऑपरेटिव है, और मतलब जिस तरह की भी हमें हेल्प चाहिए होती है हमें प्रोवाइड की जाती है। हमारे अपने स्टूडियोज हैं और अपने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर हम वर्किंग करते हैं, और बहुत अच्छा टाइम गुजर है हमारा। कुछ और आगे बढ़ते हैं, एक नया चेहरा हमें मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स में नजर आ रहा है। आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट है? सीएस डिपार्टमेंट। सीएस डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपका सुपीरियर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टडी के लिहाज से भी, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी, स्टूडेंट्स के आपस में जेल होना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से भी। अच्छा, मैंने देखा है कि सुपीरियर के सारे स्टूडेंट्स बड़े टैलेंटेड हैं, कोई ना कोई तो उनमें टैलेंट मौजूद है। आप भी कोई अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पोइट हैं आप, कुछ इस तरह का टैलेंट आप में भी मुझे लग रहा है, कोई हिडन मौजूद है? चूंकि सुपीरियर का हूं, कुछ ना कुछ तो करूंगा, सिंगिंग कर देता हूं मैं। जी बिल्कुल जरूर। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, कर ले कोई भी सितम ये जहां, इनमें सदा है हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। के जहनों में एक ही सवाल है कि आखिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत कम अरसे में मुल्क के नौजवानों की अव्वलीन पसंद क्यों बन चुका है? तो ये सवाल मेरे जहन में भी आया, उसका जवाब लेने के लिए मैं आज यहां पर पहुंची उस पर्सनालिटी के पास जिसको रूहे रवा भी कहा जा सकता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो जदीद और मुनफरिद सोच है और जो जदीद तरीके हैं तर्ज तालीम के, उसके पीछे जिस पर्सनैलिटी का हाथ है उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वी
सुपीरियर आइडियोलॉजी है क्या और किस तरह से ये इंस्पायर कर रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर सुमैरा रहमान। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कामयाबी ली है और पूरे पाकिस्तान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और फिर अब दुनिया भर में भी मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगी कि ये क्या आइडियोलॉजी थी और किस तरह से आपने स्टूडेंट्स को ग्रूम किया, ट्रेन किया? शुक्रिया बहुत बहुत जी। एक्चुअली जब ये टेक्नोप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की तो सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक आइडिया था कि पाकिस्तान की यूथ को अगर हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें और हम लोग पाकिस्तानी यूथ में ये होप क्रिएट कर सकें कि हम लोगों को उनको जॉब क्रिएटर बनाना है और पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है, सो दिस इज़ द आंसर। सो इस आइडियोलॉजी के साथ हम लोगों ने ये टेक्नोप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की। एंड टू स्टार्ट विद व्हाट आई डिड कि मैंने जो है वो आईटी डिपार्टमेंट को कंसिडर किया फॉर द टेक्नोप्रेन्योरशिप। वाई? बिकॉज आई बिलीव दैट आईटी का बच्चा जो है वो घर बैठे मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है। लुक एट इंडियन इकोनॉमी, दे आर गोइंग फार फार अहेड ऑफ अस। सो देयर इज अ डायर नीड कि हम अपनी पाकिस्तानी यूथ में जॉब क्रिएटर्स पैदा करें और उनके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग पैदा करें जिसके वो ब्रुएकार लाके वो पाकिस्तान के लिए एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे जो है। अच्छा, पाकिस्तान में जब बच्चे पैदा होते हैं और वो सोचते हैं कि बड़े होके क्या बनना, तो कोई भी ये नहीं सोचता कि उसने बिजनेसमैन बनना है। हमेशा वो सोचते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी और बनना है। लेकिन ये माइंडसेट किस तरह से आपको मुश्किल हुई होगी यकीनन शुरू में बच्चों की इस तरह से जहन साजी करने में कुछ डिफिकल्टीज फेस की? बड़ा चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा, दैट इज रिलेटेड टू द माइंडसेट। क्योंकि जब मैंने ये लॉन्च किया प्रोग्राम, सो इवन फैकल्टी वॉज नॉट रेडी। They were saying like, this is not for us. Students were taking for granted के शायद पता नहीं हमारे लिए क्यों है entrepreneurship, because हम लोग तो IT के बच्चे हैं। और मुझे काफी effort लगी। या एक ये भी तो सोच होती है ना कि हमारे पास जब capital ही नहीं है तो हम किस तरह से इस तरफ जा सकते हैं, कि ये सोच। लेकिन कैपिटल से ज्यादा उसमें जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो मैटर करता है कि आपको बिलीव होना चाहिए अपनी एबिलिटी पे कि यस वी कैन डू। और आपको रिसोर्सेज तो बाय प्रोडक्ट है, रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। वंस यू बिलीव ऑन योर अबिलिटीज, यस वी कैन डू इट, आई एम पॉसिबल, यू विल सर्टेनली अचीव। एंड दे डिड इट। एंड दे डिड इट। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम पहला लेक्चर लेने गई तो लाइक आई वॉज शॉक्ड कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड एंड दैट वॉज द रियल चैलेंज फॉर मी कि मुझे इनका माइंड सेट चेंज करना है, क्योंकि इनको बिलीव नहीं था अपनी एबिलिटी पे, इनके अंदर होप नहीं थी। And what I did, I just worked around this and I motivate them, I inspire them. अच्छा, एक और आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि आपको फैकल्टी मेंबर्स की भी जहन साजी करनी पड़ी, लाइक उनके लिए भी ये अडॉप्ट करना और इसको अब्सॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उस बारे में भी कुछ बताएंगे? क्योंकि हमारी फैकल्टी सैडली आई मीन द एजुकेशन सेक्टर वी आर नॉट लाइक अपडेटिंग आवर सेल्व्स। बींग अ फैकल्टी मेंबर, अगर मैं अपने आप को बींग अ टीचर कंसिडर करूँ, आई नीड टू कोप अप विद द न्यू ट्रेंड्स, न्यू जो है वो पैडागॉजीज। क्योंकि अब कन्वेंशनल टीचिंग जो है इट विल नॉट हेल्प यू, यू हैव टू ट्रेन देम लाइक अ फैसिलिटेटर। और एक टीचर का रोल जो है इट्स मोर देन टीचिंग ओनली, क्योंकि आप जस्ट जाके स्लाइड्स नहीं पढ़ा सकते और वो आप फिर उस तरह की आउटकम नहीं ले सकते। इफ यू रियली वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्पार्क दैट एनर्जी एंड यू हैव टू कम अप विद अ वेरी वेरी इनोवेटिव पेडागोजीज। अच्छा, टीचर्स का आपने बताया रिएक्शन, बच्चों का भी, स्टूडेंट्स का भी बताया, उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली का भी कोई रिएक्शन आया या वो उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया? Obviously they appreciated, because जो स्कीम है हमारी टेक्नोप्रेन्योरशिप की वो बहुत ज़्यादा रिच है, उसमें वराइटी ऑफ पैडागोजीज हैं जिसके थ्रू बच्चे के अंदर बहुत बड़ा स्किल सेट। वो पहले दिन जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, वो एंड ऑफ द टेक्नोप्रेन्योरशिप, उसके अंदर एक ह्यूज डिफरेंस आता है, उसके अंदर बिलीफ आता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको अपनी एबिलिटीज को सेल करना आता है। एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्स, क्योंकि एक बच्चे को अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बना देते हैं एंड दे नो हाउ टू डील विद रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू डील विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, सो दैट इज द सक्सेस। ये तो हो गया टेक्नोप्रेन्योरशिप के हवाले से। एक और सुपीरियर की जो स्ट्रेंथ बनती जा रही है
कि आई क्यू के बाद ये ई क्यू क्या है? क्योंकि आपका जो आई क्यू है दैट मैटर्स ओनली 20% इन योर लाइफ सक्सेस. रेस्ट ऑफ द 80% जो है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. एंड थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप वी आर मेकिंग देम इमोशनली इंटेलिजेंट. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप डजंट मीन लाइक यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. इट्स अ माइंड सेट कि अगर नो मैटर वेदर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और नॉट, यू हैव टू एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स. Whether you are intrapreneurs, like you're working in an organization and you are the asset of an organization, so you are working as an intrapreneur. And if you are starting your own business, you act like as entrepreneurs. So this is the basic ideology. And what my philosophy is behind, ke hum log ye chahte hain ki Pakistan ko economically superior Pakistan banaya jaye. Aur agar national level pe bhi is tarah ki priorities ko encourage kiya jaye aur public private partnerships ko aur zyada encourage kiya jaye, to I think ki Pakistan mein bahut zyada potential hai aur hum log hame sirf और सिर्फ होप और डायरेक्शन देने की जरूरत है. इस यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. हमें इस यूथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. सैडली हम लोग एजुकेशन सेक्टर में वी कम्पीट विद ईच अदर. वी शुड नॉट कम्पीट विद ईच अदर. वी नीड टू स्ट्रेंथन ईच अदर. वी नीड टू कोलैबोरेट विद ईच अदर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जैसे कि कहा जाता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये आइडिया जब आप लोग लेके आए, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेस भी उनको मिल रहा है, एस्टैब्लिश भी हो रहा है और थ्रू नियो हम लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं. ये आईक्यू से ईक्यू, या इट्स अ ह्यूज सक्सेस. लेकिन किसी ने हुकूमती सतह पर आपसे कोई मुलाकात हुई, कुछ मिले कि लाइक जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं या जो दीगर मुल्क की यूनिवर्सिटीज हैं वहां तक भी, जैसे कि आपने कहा कि हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना, हमें मिलकर पाकिस्तान की यूथ को साथ लेके चलना है, तो ऐसी कोई कोलेबोरेशन के लिए आपकी के पास कोई ऑफर आई थी? But in future, I'm very optimistic that with the public-private partnerships, we can bring change and we can change the entire ecosystem, entrepreneurial ecosystem of Pakistan. And this is the need of time if we really want to make Pakistan an economically superior Pakistan. And at government level, there are so many institutions, they have taken lots of initiatives. But still we need to collaborate. आखिर में बिल्कुल कोई लास्ट मैसेज यूथ के लिए स्पेशली और स्टूडेंट्स के लिए? Well, I would like to explain my feelings कि अभी ये अवार्ड विन करके मुझे कैसा लग रहा है. बींग अ टीचर आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड के जो है वो मेरा वो बच्चा जो जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको मैं बार बार डांटती थी कि ये तुम कैसे बोल रहे हो, खड़े हो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान हैरान कर दिया. पूरे पाकिस्तान की टीम्स जो जिसमें वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी कम्पीट कर रही थी, उनको बीट किया. सो दिस इज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल. आई विश देम वेरी गुड लक कि अल्लाह करे कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं उसमें भी वो पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करके. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना जाने कितने ही गहरे नायाब हमारे आसपास मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी नौजवानों को सही डायरेक्शन, एतमाद और अच्छे असातिज़ा मिल जाएं, तो ये नौजवान कुछ भी कर सकते हैं. और ये मौका फराहम कर रही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी. हमारा आज का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सफर अपने इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि इसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सुपीरियर बनाना है. हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद.